नमस्कार, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज विक्रम और वेधा का रिव्यू। विक्रम और वेधा आज ही थिएटर में रिलीज हुई है और जैसा कि आप सभी जानते हैं 2017 में तमिल में आई फिल्म विक्रम वेधा का यह रीमेक है, हिंदी रीमेक है। इसके निर्देशक पुष्कर और गायत्री हैं जिन्होंने इसे तमिल में भी डायरेक्ट किया था। हाँ, स्टार बदल गए हैं हिंदी के हिसाब से, तो इस बार हिंदी के स्टार में इसमें सैफ अली खान, ऋतिक रोशन, राधिका आप्टे, सत्यदीप मिश्रा, रोहित सराफ और योगिता विहानी हैं। इन सभी ने उन सभी किरदारों को निभाया है जो तमिल में थे। हाँ, एक अच्छी भूमिका में शारिब हाशमी भी हैं। शारिब हाशमी को इस बार थोड़ी बड़ी भूमिका मिली है और निर्णायक भूमिका मिली है फिल्म के अंदर, इसलिए शारिब आपको मुबारक हो। विक्रम और वेधा एक बहुत ही रोमांचक थ्रिलिंग फिल्म है और यह अपराध और पुलिस महकमे के द्वंद्व और भिड़ंत की कहानी है। यह चोर पुलिस का खेल भी कह सकते हैं। वास्तव में यह विक्रम और बैताल की जो लीजेंडरी कहानी है उसी का एक अलग रूपांतरण है, जहां नैतिक सवालों से जूझते दो लोग हैं जो लाइन के इधर और उधर हैं। इसमें कौन सही है कौन गलत है यह निर्णय करना हम दर्शकों के लिए मुश्किल है, उन किरदारों के लिए मुश्किल है और इसी में इस फिल्म की रोचकता बनी रहती है। यह फिल्म कोई बड़ी ऊंची बात नहीं कहती है, न ये सफ़ेद और काले के बीच कोई फ़र्क करके कोई कहानी सामने लाना चाहती है। यह कुछ नैतिक प्रश्नों को खड़ा करती है और जैसा कि फिल्म के अंदर जो संरचना अपनाई है निर्देशक और लेखक ने, उन्होंने हमेशा विक्रम और वेधा हमेशा एक कहानी सुनाता है और कहानी को एक ऐसे पॉइंट पर ले जाकर छोड़ता है जहां विक्रम को जवाब देना है और बताना है कि वह क्या सही है और क्या गलत है और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इन्हीं सारी बातों को लेकर यह फिल्म चलती है। हाँ, फिल्म के अंदर सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की भिड़ंत, उनकी जुगलबंदी, उनका आमने सामने आना और उनका साथ में मिलकर काम करना, सब कुछ इतने रोचक तरीके से लेखक निर्देशक ने फिल्म में पिरोया है कि फिल्म लंबी होने के बावजूद ऊब नहीं पैदा करती और आप हम दर्शक के तौर पर उससे बिंधे रहते हैं, पूरी फिल्म देखते हैं और फिल्म देखने के बाद हम उसके बारे में तय करते हैं कि यह फिल्म कैसी है। विक्रम और वेधा एक बहुत ही रोचक रोमांचक फिल्म है और मुझे लगता है कि हिंदी में तमिल से थोड़ी अलग हो गई है यह, क्योंकि यह फिल्म थोड़ी लंबी हो गई है पहले से, लेकिन रोचकता उतनी है और ख़ास करके ऋतिक रोशन बहुत प्रभावित करते हैं इस भूमिका में। ऋतिक ने वेधा के किरदार को अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में एक नया रंग दिया है और उससे एक उसमें एक नया आकर्षण भी पैदा किया है। वहीं सैफ अली खान ईमानदार पुलिस अधिकारी की भूमिका में है। यूँ समझ लें कि अपराधियों के दुनिया में एक ईमानदार व्यक्ति है जिसका नाम है वेधा और पुलिस महकमे में एक ईमानदार व्यक्ति है जिसका नाम है विक्रम, और दोनों के सामने यह नैतिक प्रश्न है कि समाज में कैसे खुद को एडजस्ट करें और कैसे आगे बढ़ें, कैसे कानून की रक्षा करें और कैसे कानून के साथ रहें। दोनों के तरीके अलग हैं, दोनों के काम करने के तरीके अलग हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि दोनों के मकसद एक जैसे हैं, दोनों इस दुनिया में थोड़ी सी ईमानदारी चाहते हैं। यह फिल्म आज ही थिएटर में लगी है और मुझे लगता है कि यह फिल्म देखी जानी चाहिए, इसलिए कि इस फिल्म में ऋतिक रोशन और सैफ अली ने जोरदार काम किया है, बहुत उम्दा तरीके से अपने किरदारों को निभाया है। वहीं राधिका आप्टे छोटी सी भूमिका है, उसको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं कह सकते, लेकिन अपनी मौजूदगी और अपने काम से उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। फिल्म में वेधा के छोटे भाई के रूप में रोहित सराफ और उनकी गर्लफ्रेंड योगिता भिवानी की ज़्यादा बड़ी भूमिका नहीं है और न वे कोई बड़ा छाप छोड़ पाती हैं। हाँ, फिल्म की कहानी ज़बरदस्ती लखनऊ से बंबई और फिर लखनऊ में जोड़ी गई है। हम जैसा कि बता रहे हैं कि यह फिल्म स्थानीय हो गई है। पुष्कर और गायत्री ने इस फिल्म को
लखनऊ के बैकड्रॉप में रखा है और लखनऊ इसमें शहर के तौर पर भी उभर कर आता है, एक किरदार के तौर पर उभर कर आता है। वहाँ की पुरानी इमारतें, वहाँ के पुराने वास्तु का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। फिल्म की फोटोग्राफी बहुत अच्छी है और संगीत जो फिल्म में जोश बनाए रखता है, रा 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 है ना ना करके जो साउंड आता है पीछे, वो बहुत ही आकर्षक है, हॉन्टिंग है, और उसकी वजह से हम उस किरदार में डूबे रहते हैं। तो ज़रूर मौका मिलते ही आप इस फिल्म को देखें और अपनी राय दें कि आपको यह फिल्म कैसी लगी है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।